नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को सीधी खुली चुनौती दे दी है कि अगर हिम्मत है तो पार्टी से निकाल कर दिखाओ। वो जो कुछ बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में आज तक पार्टी के अंदर रहते हुए कोई इस तरह की बात बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया है। अगर किसी ने हिम्मत की है तो उसको 24 घंटे भी नहीं लगे हैं पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने में। लेकिन इसके बावजूद क्या क्या कहा गया पार्टी हाईकमान की ओर से, पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से? सिर्फ एक प्रवक्ता के जरिए कहलवाया गया, बिना उनका नाम लिए, कि वरिष्ठ लोगों का सम्मान है लेकिन राजनीति में गुस्से की जगह नहीं होती है। कैप्टन की ओर से जवाब आया, चुपचाप नहीं बैठे। उन्होंने कहा, हाँ सही बात है, राजनीति में गुस्से की जगह नहीं होती लेकिन कांग्रेस पार्टी में अपमान की जगह होती है। और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मुझे अपमानित किया गया है। उन्होंने कहा, मैं फौजी हूं, मुझे मालूम है कि अगर कमांड दी गई है तो उसका पालन कैसे करना है, कब अगर लौटने को कहा गया है तो कब लौट आना है। तो अगर मुझसे सोनिया गांधी फोन करके या बुलाकर कहती कि इस्तीफा दे दीजिए तो मैं इस्तीफा दे देता, लेकिन मैं चाहता था कि मैं हार कर न जाऊं, मैं पार्टी को फिर से एक बार चुनाव में जिताने के बाद रिटायर हो जाऊं, और ये बात मैं बता चुका था पहले भी, लेकिन मुझे उसका मौका नहीं दिया गया। धोखे से जब मैंने इस्तीफे की पेशकश की तो मना कर दिया गया, लेकिन धोखे से सीएलपी की बैठक बुलाकर मुझे हटाने और अपमानित करने का प्रयास हुआ। सिद्धू के जरिए हाईकमान जो कुछ कर रहा था पिछले कई महीनों से, उसको वो किसी तरह से बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन ये जो हुआ सीएलपी मीटिंग का, वो उनके उनकी बर्दाश्त के बाहर चला गया। उन्होंने जाकर इस्तीफा दे दिया। इससे पहले कि वहां बैठक में बुलाकर उनको अपमानित किया जाता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद जो कुछ कहा उन्होंने वो तो आपको पता ही है, लेकिन उसके बाद भी अभी जो कहा है उन्होंने वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने सोनिया गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक बात कही थी, एक वादा किया था, उसको वो पूरा नहीं कर पाई। जब इस्तीफा लेकर गया था मैंने मना किया था, उन्होंने कहा था आप बने रहिए, तो उन्होंने कहा कि इस अपने कमिटमेंट को वो पूरा नहीं कर पाए। तो क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस की अध्यक्ष इस मामले में सक्षम नहीं है कि वो अपने कमिटमेंट को पूरा कर सके, अब उन्होंने जो वादा किया है उसको निभा सके। और वो यहीं नहीं रुके, कैप्टन यहीं पर नहीं रुके, सोनिया गांधी पर वादा खिलाफी का तो आरोप लगाया ही उन्होंने, उसके साथ साथ उन्होंने राहुल गांधी, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, जो पार्टी के भावी अध्यक्ष माने जा रहे हैं, और प्रियंका वाड्रा, जो तीन लोग हैं गांधी परिवार में, बल्कि कहना चाहिए कांग्रेस परिवार में, जो फैसले लेते हैं, कांग्रेस जो है वो परिवार की पार्टी बन गई है, तो एक परिवार सारे फैसले लेता है। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के लिए कहा कि ये अनुभवहीन लोग। अब आप अंदाजा लगाइए, इससे बड़ा अपमान राहुल गांधी का क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, फिर बनने वाला हो, और जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उसके बारे में उसी की पार्टी के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि इनको राजनीति के बारे में कुछ समझ नहीं है, इनको कोई अनुभव नहीं है, इनको कोई जानकारी नहीं है, और इनके जो सलाहकार हैं वो गलत सलाह देते हैं, यानी इनमें क्षमता नहीं है निर्णय लेने की, और इनके जिसके कहने पर ये निर्णय लेते हैं उनको भी समझ नहीं। इससे बड़ा अविश्वास और इससे बड़ी बात क्या कही जा सकती है? लेकिन गांधी परिवार की हिम्मत नहीं हो रही है कैप्टन के खिलाफ एक्शन लेने की, हालांकि वो उकसा रहे हैं इसी के लिए, और एक दिन ये होगा भी, लेकिन अभी हिम्मत नहीं हो रही है। अभी पार्टी की ओर से एक प्रवक्ता के जरिए ये कहलवाया गया कि राजनीति में गुस्से की जगह नहीं, वरिष्ठ लोगों का सम्मान है लेकिन गुस्से की जगह नहीं होती। कैप्टन ने जवाब दिया, चुप नहीं रहे हो। उन्होंने कहा कि हाँ सही बात है, राजनीति में गुस्से की जगह नहीं होती लेकिन कांग्रेस पार्टी में अपमान के लिए जगह होती है। फिर याद दिलाया उन्होंने
कि उनको अपमानित करके जो है बाहर किया गया है, वो उनकी वरिष्ठता का सम्मान नहीं किया गया है। और वो यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये केसी वेणुगोपाल जो राहुल गांधी की टीम है, आप देखिए उसके बारे में कह रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल जो महामंत्री हैं और राहुल गांधी के जो है हनुमान माने जाते हैं आजकल, जहां भी राहुल गांधी को लगता है समस्या है वहां केसी वेणुगोपाल आपको मौजूद मिलेंगे। केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने कहा इन तीन लोगों को क्या मालूम है पंजाब के बारे में, ये क्या जानते हैं पंजाब में किस विधायक को क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए, किसको मंत्री बनाया जाना चाहिए। इसका मतलब समझिए आप कि ये लोग तय कर रहे थे, ये लोग दबाव डाल रहे थे मंत्री बनवाने के लिए कुछ विधायकों को। वो जो सिद्धू के लोगों को मंत्री बनाने की बात हो रही थी, वो मंत्रिमंडल में फेरबदल की बात हो रही थी, दरअसल ये लोग करवा रहे थे। तो इन लोगों के जरिए जो संदेश पहुंच रहा था वो समझ रहे थे कैप्टन, उनका इनको क्या मालूम है। तो सोनिया गांधी पर अविश्वास, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा की अनुभवहीनता की बात, और उसके बाद उनकी पूरी टीम को एक तरह से उन्होंने नाकारा साबित कर दिया कि इनको कुछ पता नहीं है, ये पंजाब में क्या कर रहे हैं इसका इनको अंदाजा भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान समर्थक तत्व सक्रिय हैं, ड्रोन से हथियार लाए जा रहे हैं, घुसपैठियों को भेजने की कोशिश हो रही है, तनाव बढ़ाने की कोशिश हो रही है, वो सब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। और इस सब की जानकारी मैं केंद्र सरकार को समय समय पर देता रहा हूँ। और उससे आगे जो बात कही कैप्टन ने, दरअसल वो सबसे बड़ी चिंता का कारण होगा गांधी परिवार के लिए। उन्होंने कहा मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, सिद्धू को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, उसके खिलाफ मजबूत उम्मीदवार खड़ा करूंगा। अब आप देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी तक कांग्रेस के सदस्य हैं, वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करने की बात कर रहे हैं, उसको हराने की बात कर रहे हैं। अब इससे बड़ी अगर आप अनुशासनहीनता की बात करें तो और क्या हो सकती है। लेकिन ये इस तरह का साहस सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह दिखा सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो इस मामले में सही रास्ते पर, हर मामले पर सही रास्ते पर नहीं होते। जैसे किसानों के मामले में उन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं किया, उन्होंने जिस तरह से किसान आंदोलन को बढ़ावा दिया, उसको हवा दी, किसानों को पंजाब से दिल्ली भेजा, वो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं था जो उन्होंने किया, वो उनकी पार्टी और सरकार के इंटरेस्ट में था। आज उनके लिए वही सबसे बड़ी मुश्किल बन गई। तो कैप्टन ने क्या किया, कैप्टन ने सिद्धू के प्रति कांग्रेस के और खास कार्यकर्ताओं, नेताओं, खासतौर से विधायकों में एक अविश्वास की भावना पैदा कर दी कि सिद्धू आगे चलकर मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं। अभी तो नहीं बन पाए, सारी कोशिश कर ली तब भी नहीं बन पाए, तो आगे क्या होगा। मेरा तो मानना है कि उनके मुख्यमंत्री बनने के सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। लगभग इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति में अंतिम तौर पर कोई बात नहीं कहनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, कब क्या पलट जाए, कौन क्या बन जाए, कोई जानता नहीं। लेकिन इतना तो है कि उन्होंने कांग्रेस हाईकमान के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है कि अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार या पुनर्गठन होना है उसमें किसके लोग आएंगे, कौन लोग आएंगे, उसमें जातीय समीकरण कैसे बिठाया जाएगा। इतने लंबे समय बाद जट सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है, उनकी भावनाओं का क्या होगा, वो इसको किस रूप में लेते हैं। फिर सवाल है सुनील जाखड़ का, जो सिद्धू से पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, भाई बहन ने छुट्टी बिताकर शिमला से जाते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मुलाकात की सुनील जाखड़ से, सुनील जाखड़ को दिल्ली बुलाया गया है और उनसे बातचीत होनी है। बातचीत क्या होनी है, क्योंकि उनके नाम पर, मुख्यमंत्री पद के नाम पर सिद्धू ने वीटो लगाया। अंबिका सोनी से भी सुनील जाखड़ नाराज हैं, जिन्होंने कहा कि पंजाब में किसी हिंदू को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए।
सुनील जाखड़ के सामने प्रस्ताव रखा गया था कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए, उन्होंने मना कर दिया। अब सवाल यह है कि भाई वो इतने समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, संगठन पर उनकी पकड़ है, लोग हैं उनकी, उनके लोगों को क्या मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? क्या सिद्धू की वहां चलेगी या सुनील जाखड़ की चलेगी? चन्नी का अपना कैंप अब बन जाएगा, उनकी चलेगी या सिद्धू की चलेगी? उसके अलावा रंधावा जो डिप्टी सीएम है और सोनी जो दूसरे डिप्टी सीएम है, उनके लोगों का एडजस्टमेंट कैसे होगा? रमदसिया समुदाय से हैं चरणजीत सिंह चन्नी, दलितों के बाकी समुदायों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा? ये सब मुद्दे हैं जो बहुत विकराल समस्या बनकर कांग्रेस के सामने खड़े हैं। कैप्टन किसी तरह से हार मानने को तैयार नहीं है। उनके खिलाफ सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है कि उनकी उम्र हो गई है। उन्होंने कहा कि उम्र कोई चीज नहीं होती है, 40 साल का आदमी भी बूढ़ा हो सकता है, 80 साल का आदमी भी जवान हो सकता है, ज्यादा एक्टिव हो सकता है, इसलिए ये इस बात का कोई मतलब नहीं। दूसरा आरोप उन पर था कि वो मिलते नहीं है लोगों से। उन्होंने कहा मैं 7 बार MLA रहा, 2 बार लोकसभा सदस्य रहा, 2 बार मुख्यमंत्री रहा, तो ऐसे ही तो नहीं बन गया। अगर लोगों से मिलता जुलता नहीं था तो वोट कैसे मिलते? तो वो देखिए, उनके खिलाफ जो बातें अभी तक बोली जा रही थी जिस पर वो चुप थे, उनका वो जवाब देने लगे और वो लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं और बार बार रोज कुछ न कुछ बोलकर पार्टी हाई कमान को चुनौती दे रहे हैं कि हिम्मत है तो मेरे खिलाफ एक्शन लो। और पार्टी हाई कमान की अभी हिम्मत हो नहीं रही एक्शन लेने की। अगर एक्शन लिया गया तो उनको सिंपैथी मिलेगी, अगर एक्शन तब भी नहीं लिया जाता है तो एक समय आएगा जब उनको फैसला करना पड़ेगा पार्टी छोड़ने का। तब पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी में, मतलब पंजाब में, अभी उनका कितना समर्थन है, कितने लोग उनके साथ आते हैं। लेकिन एक बात तो है कि ये लड़ाई जो है, ये कभी भी, मैं शुरू से कह रहा हूं कि सिद्धू बनाम कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं थी, ये कांग्रेस हाई कमान या गांधी परिवार बनाम कैप्टन अमरिंदर सिंह थी। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके गांधी परिवार उनको मुख्यमंत्री पद से हटवाने में कामयाब हो गया, लेकिन अब कैप्टन के पास खोने के लिए कुछ नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो गांधी परिवार धमकी दे कि वो ले सकता है। तो इसलिए कैप्टन उस जो है बंधन से या उस दबाव से मुक्त हो चुके हैं। अब उनके सामने एक ही लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि अगर सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो कांग्रेस दहाई के अंक में भी नहीं पहुंचेगी। तो कांग्रेस को हराना, आप देखिए 3 महीने 6 महीने पहले तक जिस नेता का सबसे बड़ा मकसद था, सबसे बड़ा उद्देश्य था कांग्रेस को जिताकर फिर से सत्ता में लाना, उनका सबसे बड़ा मकसद इस समय हो गया है कांग्रेस को हराकर सत्ता से बाहर करना। तो ये कांग्रेस हाईकमान ने जो किया है उसका नतीजा भुगतने के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। तो कैप्टन को हटाना जितना मुश्किल था कांग्रेस हाईकमान के लिए, उससे ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार, क्योंकि अब कैप्टन नहीं है कि उन पर सब जिम्मा डाल दिया जाए कि इनकी वजह से ये सब हो रहा है। कैप्टन ने यह भी कहा कि अब पंजाब की सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है, जब मैं था तो मैं सब फैसले करता था, मैं तय करता था कि कौन मंत्री होगा कौन नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता था किसकी क्या काबिलियत है। तो इसलिए समस्या जो है, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है पंजाब में कांग्रेस की बढ़ती जा रही है और उसको और तेज गति से बढ़ा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो कांग्रेस अकाली दल आम आदमी पार्टी बीजेपी से तो बाद में लड़ेगी, पहले उसको कैप्टन अमरिंदर सिंह से और सोनिया गांधी को कैप्टन की चुनौती का जवाब देना है। ये जो सारी कवायद हुई हाई कमान के रुके को, हाई कमान की अथॉरिटी को फिर से एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको बहुत बड़ा आघात है कैप्टन की चुनौती। वो कह रहे हैं कि आप में इतनी ताकत इसीलिए है कि लोग सवाल नहीं करते, सवाल करने के लिए लोग खड़े नहीं होते, और कैप्टन के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, एक मुख्यमंत्री पद था वो चला गया, अब कोई ऐसी चीज नहीं है जो सोनिया गांधी या गांधी परिवार उनसे ले सकता है। देखिए कहा जाता है कि दोस्त जब दुश्मन बनते हैं
तो बड़े शिद्दत से दुश्मनी करते हैं। तो ये दोस्त से दुश्मन बने लोग हैं। तो दोस्त से दुश्मन जो बनते हैं वो एक दूसरे को मटिया मेट करने के लिए अपने को भी खत्म करने को तैयार हो जाते हैं। तो क्या होगा कांग्रेस में, पंजाब में? चुनाव अगर देर में होते, साल दो साल होता, तब तो शायद इस समस्या का निपटारा हो जाता, कोई हल शायद निकल जाता। लेकिन चुनाव इतने करीब आ गए हैं कि इस समस्या का कोई भी हल जोखिम से भरपूर है, खतरे से भरपूर है। तो कितना खतरा लेने की स्थिति में पार्टी हाईकमान है और कितनी दूर तक चलने में कैप्टन अमरिंदर सिंह सक्षम है, ये लड़ाई इससे तय होगी। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आजाद दीजिए, नमस्कार।